Hello. Practice say 2.2, question number 5. See carefully. Once again, there is a standard quadratic type. मेरा type कौन सा है देखो? A x square minus b x plus c equal to 0. यहाँ पे कौन सा sign है? Minus. यहाँ पे कौन सा sign है? Plus. ये last term अगर plus है, मतलब ऐसे दो factors चाहिए, उन factors का addition middle term आना चाहिए. ये बहुत सारे student ये question को LCM लेके भी solve करते हैं. आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो. कैसे? वॉच इट केयरफुली. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट. व्हाट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2? फाइनल आंसर इज 1. एकदम आसान हो गया क्योंकि 1 के फैक्टर्स कौन आने वाले हैं? 110% वी कैन फैक्टराइज दिस 1 लाइक दिस. 1 इंटू 1 हो गया मेरा फैक्टर्स. उतना ही तो पेयर है क्योंकि 1 और 1 का टोटल कितना आता है? 2 आ गया. बट यहां पे तो -2 है तो ऑब्वियसली यहां पे भी ऐसे होगा -1 प्लस -1 व्हिच इज इक्वल टू -2 एंड देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू +1. इसलिए हम इसे ऐसे लिखेंगे. देयरफॉर 2x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 1x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 0. इसमें सिर्फ इसके फोर्थ स्टेप का जो एडजस्टमेंट है वो इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देना है क्योंकि यहां पे तो इतना समझ में आ गया कि ये हम लोगों ने फैक्टराइज किया -1 इंटू -1. गॉट इट? नाउ प्रिपेयर द कपल्स, जोड़ी बना. पहले दो टर्म का जोड़ी बनेगा यहां पे और दूसरे दो टर्म का जोड़ी बनेगा. अब देखिए पहले दो टर्म के जोड़ी में से कौन कॉमन आएगा? देखो यहां पे ओनली एक्स विल बी द कॉमन एलिमेंट. यू विल गेट 2x माइनस 1. मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था जो ब्रैकेट यहां पे आता है वही कॉमन आएगा, वही रिपीट होगा. अगर वही रिपीट होता है मतलब मुझे ऐसे लिखना है. यहां पे आएगा 2x माइनस 1 which is equal to 0. Same bracket will repeat over here. मेरे अगर factors correct है, adjustment factors का वो भी correct है, तो ये bracket यहाँ पे repeat होता है. 2x को कौन से number से multiply किया इस 2 को, तो हमें -1 मिलेगा. ये step यहाँ पे important है. देखो, अगर मेरे पास 2 है, तो मैं किससे multiply करेगा? Multiply by -1/2 such a way that 2 get cancel and will get -1. तो मेरे पास यहां पे -1/2 होना जरूरी है. This is -1/2. Got it? Now, this bracket and this bracket repeated twice. Same bracket twice. इसका मतलब मैं कैसे लिखने वाला हूं? 2x minus 1 into x minus 1 upon 2 which is equal to 0. Hey, दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 आ गया. सो वी हैव टू राइट इफ ए इंटू बी इक्वल टू 0, देन ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0. दोनों वैल्यू 0 हम लोग अलग अलग लिखते हैं. अब देखिए 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x minus 1 upon 2 equal to 0. Therefore, 2x minus 1 shift to the right hand side will get +1. Therefore, the value of x which is 1 upon 2 or therefore, the value of x minus 1/2 right mein shift hua to kya hoga? +1/2. Hey, is quadratic equation mein dono roots equal hai. बट लिखते वक्त आंसर ऐसे ही लिखोगे. देयरफॉर x इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड x इक्वल टू 1 अपॉन 2 आर द रूट्स, आर द रूट्स ऑफ
the given quadratic equation. The given quadratic equation. हो गया, कितना आसान है. बी कॉन्सेंट्रेट ऑन टाइप्स. गॉट इट. अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक यू.